ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में शामिल होंगे। जी हां, सिंधिया 30 जून को राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जहां वे मंत्रियों के शपथ विधि समारोह में शामिल होने के साथ साथ उपचुनाव को लेकर सरकार और संगठन के साथ रणनीति भी बनाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। जनता का इंतजार खत्म, आ रहे महाराज। शिवराज मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में होंगे शामिल। चुनाव के दंगल में सिंधिया की एंट्री। कमलनाथ के खिलाफ हुंकार भरेगी शिवराज महाराज की जोड़ी। ये खबर बीजेपी को राहत देने वाली है और उससे कहीं ज्यादा सिंधिया समर्थकों को खुशी से भर देने वाली है। उनके महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आ रही हैं। जी हाँ, कोरोना से जंग जीतने के बाद सिंधिया 30 जून को भोपाल आ रही हैं और वे शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिंधिया खेमे के कई नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन भोपाल में रुकेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वे उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ रणनीति बनाएंगे। मंत्रिमंडल में 25 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इनमें सिंधिया समर्थक मंत्रियों की तादाद 10 से 12 और भाजपा कोटे के 15 मंत्री रहेंगे। सिंधिया खेमे से इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, रणवीर सिंह जाटव, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंक और बिसाहू लाल सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं। सिंधिया समर्थकों के नाम और विभाग को लेकर निर्णय सिंधिया और शिवराज की मुलाकात के बाद होगा। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला है, इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन और शीर्ष नेतृत्व जो भी जवाबदारी जिसको देते हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। निर्णय करने का अधिकार, विशेषाधिकार उनका है, वो जो निर्णय करेंगे वो हम लोगों को सिरोधार्य होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में है। मुख्यमंत्री जी हाईकमान से बातचीत करके वो अपना करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्दी होगा। कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक सिर्फ 6 मंत्री थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया खेमे के 12 मंत्री हो सकते हैं। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सरकार में कांग्रेस के सामने डबल पावर में ना सिर्फ नजर आएंगे, बल्कि कमलनाथ के खिलाफ उपचुनाव को लेकर शिवराज के साथ कदम ताल करते भी दिखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सिंधिया उपचुनाव प्रचार की कमान लेकर चुनावी दंगल में कूदेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।